फजस्ता से क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या कहा तुमने उसे, वरना तुम्हें अभी और इसी वक्त। मैं सच कह रही हूँ खान। झूठ बोल रही हो तुम, उसका अंदाज बता रहे कि तुमने उसे को घटिया बात की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन तुम बाज नहीं आती। तुम्हारी कसम खान, ये मोहब्बत की कसम, कई दिन हो गए मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अपने दिल की झूठी कसम खा रही हो, दूर हो जाओ मुझसे। चाहो तो बुलवा कर पूछ लो उससे, उसकी जुबान पर तो एतबार आएगा ना। फजस्ता मेरी छोटी बहन है, सिर्फ बहन, अगर उसके मुतल्लिक एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सुना तुमने? फजस्ता, बच्चे जब तैयारी हो जाए तो बता देना, कल तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा। मैं जे लाला, वो लाला मैंने काका को बोला जीप तैयार करे, इसको मैं छोड़ के आऊंगा। मुझे काम है शहर में। और बात सुनो, ये जो तुमने पढ़ाई का शोर डाला है ना, पहले थोड़ी किताबें देख लो। तुम्हारे ऐसे में दाखला भिजवा रहा हूँ, ये ना हो दाजी के सामने शर्मिंदा करवा दो। और ये जो तुम शहर के कॉलेज की बात कर रहे हो ना, अपनी उम्र देखो और शर्म कर, सब लड़कों के बाप लगोगे वहां, क्यों अपना तमाशा लगवाना? क्या हो गया लाला, मर्द कभी थोड़ा नहीं होता तमाशा लगाना। पर अमरोज कहता है मैं गलत सोचती हूँ, गलत होता क्या है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगी अमरोज खान। वो जिसके साथ बाहर बैठे कह के लगा रहे थे, उसकी आवाज नहीं चुपती, या वो सब इस इलाके के रीत रिवाज है? ऐसे गुड़ो मत खान, शर्म करो, छोटी है तुमसे, तुम्हारे छोटे भाई की मंगेतर है। चुप जाओ। अगर औरत पर हाथ उठाना मर्द की तोहीन ना होती तो आज इस बरसती बारिश में तुम्हारा जनाजा जा रहा होता। अगर जबान को लगाम नहीं दे सकती तो काट दो इसे।